और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि महावीर फोगाट ने के ऊपर निशाना साधा है भूपेंद्र हुड्डा ने। यह बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, यह बड़ी खबर है। महावीर फोगाट ने हुड्डा पर निशाना साधा है, यह बड़ी और अहम जानकारी आज विनेश को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं। ये बात महावीर फोगाट ने कही है, और जब सीएम थे तब गीता और बबीता से भेदभाव किया था। महावीर फोगाट ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया है कि आज तो राज्यसभा भेजने की बात वो कह रहे हैं, लेकिन जब वो खुद सीएम थे तब उन्होंने गीता और बबीता के साथ भेदभाव किया था। ये बयान दिया है महावीर फोगाट ने, ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है। तो आज विनेश को राज्यसभा भेजने की बात कह रहे हैं। इस पर आपको बता दें कि महावीर फोगाट की ओर से ये बयान दिया गया है कि जब सीएम थे भूपेंद्र हुड्डा तब गीता बबीता के साथ उन्होंने भेदभाव किया। ये बड़ा बयान है महावीर फोगाट का, भूपेंद्र हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा है, और साथ में गीता बबीता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो खुद सीएम हुआ करते थे तब उन्होंने गीता और बबीता के साथ भेदभाव किया। आज वो विनेश को राज्यसभा भेजने की बात कह रहे हैं। देखिए, जो भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा है, मैं आपको बताऊं, 2010 में जो हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, उस टाइम आपने इंडिया में जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तो उस टाइम गीता ने जो पहली महिला रेसलर थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर मेडल जिन्होंने बबीता लिया, तो हरियाणा सरकार की जो खेल नीति थी उसमें जो है गीता और बबीता दोनों देश की लगनी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने दोनों जो है देश की लगाई। उसके बाद में मैंने कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, बबीता को जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर गीता को इंस्पेक्टर लगाया, फिर मैं कोर्ट में गया, जो कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब जो है गीता को देश की जो है कोर्ट से देश की पद मिला था। आज हुड्डा साहब कहते हैं जो है राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा, जो चर्चा थी गीता इंडिया में जिसका भी नाम था, उस टाइम गीता को राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को जो वहाँ जो राज्यसभा भेजना चाहिए, ये हुड्डा साहब के मुँह से ही अच्छी बात हो सकती। बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड है, अगर राजनीतिक स्टैंड नहीं होता, अगर हुड्डा सच्चा होता तो मेरी दोनों बेटी उस टाइम देश की लगनी थी, जो सबसे पहले जो और लगे उनसे पहले इनका नंबर था। आर यू नहीं